school poem and written by William Black. And in this poem, the poet expresses the grief and sorrow and unhappy mood of a schoolboy. And he likes to be in the company of natural objects in the comparison of his school life. So let's start. The schoolboy in the poem is not a happy child. Take out your book and start. तो जो स्कूल बॉय है पोएम में वो हैप्पी चाइल्ड नहीं है. व्हाट मेक्स हिम अनहैप्पी, तो कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीज है जो उसे नाखुश करती है, दुखी करती है. व्हाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज, तो वो अपने आप की तुलना एक पक्षी से क्यों करता है जो कि एक पिंजरे में रहता है. केज मतलब पिंजरा, जो कि एक पिंजरे में रहता है. एंड और अ प्लांट, और एक प्लांट से करता है. That withers when it should blossom. Withers मतलब मुरझा जाना, मतलब कि वह अपनी तुलना एक पक्षी से जो कि पिंजरे में है, अपने आप को क्या मानता है, वो caged bird मानता है, और एक ऐसा प्लांट मानता है जो जो wither before blossom हो गया है, मतलब खिलने से पहले ही वो मुरझा गया है. तो देखो पढ़ते हैं अभी first stanza. I love to rise in a summer morn. When the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! So, in this stanza, the schoolboy expresses that he likes to rise up in summer morning. मतलब वो गर्मी की सुबह में उठना बिल्कुल पसंद करता है. उसको गर्मी की सुबह में उठना बड़ा अच्छा लगता है. जब when the birds sing on every tree. When he hears the chirping of birds, all his surrounding, मतलब अपने आसपास जब पक्षियों की चहचहाहट को सुनता है, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है. मतलब जब वह सुबह उठता है, तो हर पेड़ पर पक्षी गाना गाते हैं. When the distant huntsman winds his horn, और फिर उसे दूर शिकारी के होर्न की आवाज सुनाई देती है. एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, और फिर उसे स्काईलार्क का गीत सुनाई देता है. तो मतलब वो कहता है कि जब मैं सुबह उठता हूँ, तो पक्षियों का चहचहाना और शिकारी का होर्न बजाना और स्काईलार्क का मेरे साथ गाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. उनकी कंपनी मुझे बहुत प्यारी लगती है. नेक्स्ट स्टैंजा. But to go to school in a summer morning. देखो पहले स्टेंजे के अंदर उसके हैप्पी मूड को एक्सप्रेस किया गया कि बच्चा बहुत खुश है यहाँ पर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की कंपनी में रह करके. और उसके बाद सेकंड स्टेंजे में क्या होता है, but to go to school in a summer morning, it drives all joy away under a cruel eye of dawn. The little ones spend the day in sighing and dismay. तो स्कूली बॉय कहता है कि समर मॉर्निंग में स्कूल में जाना, समर मॉर्निंग में उठना अच्छा लगता है, लेकिन समर मॉर्निंग में स्कूल जाना ये सारे मजे को, सारे आनंद को नष्ट कर देता है, ड्राइव अवे कर देता है. अंडर अ क्रूल आई ऑफ वॉन द लिटिल वंस स्पेंड द डे, जहां पर छोटे छोटे बच्चे उन टीचर्स की निगरानी में कठोर या स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में अपना दिन बिताते हैं, इंसान में भी समय आहते हुए और निराशा से. तो आई होप ये दोनों स्टेंजेस आपको क्लियर हैं. तो अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड थ्री और फोर वर्ड्स ऑफ प्रेज इन स्टेंजा फर्स्ट दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड्स हैप्पीनेस एंड जॉय. मतलब पहले स्टेंजे के अंदर जैसा कि हमने पढ़ा है, पहले स्टेंजे में तीन या चार वर्ड्स या फिर फ्रेजेस हमने फाइंड आउट करने हैं जो बच्चे के हैप्पी और जॉयफुल मूड को एक्सप्रेस करते हैं. तो देखिए, द फ्रेज दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड्स जॉय एंड हैप्पीनेस आर कौन से हैं, टू राइज इन द समर मॉर्निंग, टू राइज इन द समर मॉर्निंग. उसके बाद कहता है हंसमैन विंग्स ऑन, जब जो हंसमैन अपना हॉर्न बजाता है तब. एंड बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, जो पक्षी है वो हर पेड़ पर गाना गाती है. एंड द स्काई लार्क्स सिंग्स इन मी, तो ये जो फ्रेजेस में ये जो लाइंस है वो दर्शाती हैं एंड स्वीट कंपनी के बच्चा बड़ा खुश है. नेक्स्ट है, इन स्टेंजा टू द मूड चेंज्ड एंड व्हिच वर्ड्स स्लैश फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चेंज्ड मूड. अब सेकंड स्टेंजे में पहले स्टेंजे में क्या था, हैप्पी का बिल्कुल
और सेकंड स्टैंजे में उसका मूड है वो क्या हो जाता है, सेट बदल जाता है, वो सेट हो जाता है। तो वो सेट सेटनेस दर्शाने वाले फ्रेजेस कौन से हैं, द फ्रेजेस दैट रिफ्लेक्ट द चेंज मूड आर ही ड्राइव्स ऑल जॉय अवे इन द क्यूल आई आर गॉन एंड स्पेंड द डे इन शाइन वेंडी समे, मतलब सारे आनंद को दूर कर देता है और उन हृदय आंखों के नीचे या उनकी निगरानी में रहना पड़ता है, मतलब टीचर की निगरानी में रहना पड़ता है। स्पेंड द डे इन शाइन वेंडी समे और आहा होते हुए और निराशा से दिन को बिताते हैं वो बच्चे। तो ये जो दोनों क्वेश्चन रहेंगे आपके होमवर्क के रूप में जाएंगे, तो यू कैन टेक इट्स स्क्रीनशॉट to see you soon in the next class. Till then, have a good day.